हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतलामी जायका विद अलमास मैम। आज हम बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी ऑथेंटिक स्टाइल में पुलाव बनाएंगे, यखनी पुलाव बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने 1.25 किलो के आसपास हमने मटन लिया है और ये हमने 3 टीस्पून धनिया लिया है, लहसुन लिए हैं हमने 20 से 25 और ये सौंफ भी हमारी 3 टीस्पून है और ये काली मिर्च और लौंग है 15-15 20-20 के आसपास लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज हमने प्याज काटे हुए थे। इसकी हम एक पोटली बनाएंगे जिसके अंदर ये हम धनिया डालेंगे। अखनी बनाने के लिए ये हम पोटली बनाएंगे और ये 3 टीस्पून हमने सौंफ ली है, इसके अंदर हम लहसुन नहीं डालेंगे। ये हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसकी हमने ये सौंफ और खड़े धनिए की पोटली बनाई है और इसको ऐसे गिठान लगा दी ताकि ये खुले ना। ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। लहसुन को हमने मटन में ऐड कर दिया है, ये काली मिर्च और लौंग है इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से ये प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये हम सबको कुकर में डालकर इसको जब तक ये गल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे कुकर में। पहले इसी तरीके से ऑथेंटिक स्टाइल में पुलाव बनाया जाता था जिसको बिरयानी भी कहते थे और अब जो बिरयानी बोलते हैं वो बॉम्बे स्टाइल की है, मसाले वाली, लेकिन पहले इसी तरीके से बनाई जाती थी। ये हम सब इसमें मटन प्याज हम सब ऐड कर देते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून नमक और ये 1/2 टीस्पून नमक यानी कि 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम कुकर में पानी ऐड कर देंगे। ये हमने 1 लीटर के आसपास हमने इसमें पानी ऐड करा है और इसको हम कुकर की लिड लगाकर इसका गैस ऑन कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और इसमें 2 सीटी आने के बाद में हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो कर देंगे। ये हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। ये हमने गोल्डन बासमती चावल लिए हैं, जब तक हमारी यखनी तैयार होती है तब तक हम इसे 1/2 घंटे के लिए भिगो देते हैं। पुराने टाइम में ऑथेंटिक स्टाइल में जो पुलाव बिरयानी बनाई जाती थी वो इसी तरह की बनाई जाती है, लेकिन आजकल जो बिरयानी बनाई जा रही है मसाले वाली या हैदराबादी बिरयानी, वो अभी कुछ सालों में से ही ट्रेंड में आई है। तो ये हम 1/2 घंटे के लिए इसको हम भिगो के रखेंगे क्योंकि ये गोल्डन बासमती चावल है, इन्हें 1/2 घंटा भिगोना ज़रूरी होता है। इसको हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए यखनी तैयार हो चुकी है। इसमें जो हमने ये पोटली बनाकर डाली थी इसको हम निकाल देते हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको दबा के जितना भी इसका जूस है वो निकाल लेंगे और ये जो बना है इसका ये सूप, ये मेन अखनी होती है और इसको आप ट्रांसपेरेंट सूप भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल रियल सूप है। इसमें हम थोड़ा घी ऐड करेंगे। इसमें हम 10-12 काली मिर्च ऐड कर देंगे और ये हमारे पास में तेज पत्ता है, ये भी डाल देते हैं। इसमें आप बड़ी इलायची वगैरह भी साबुत डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये 2 ही चीज़ें डाली हैं, बाकी हम सब पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 3 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है
और गैस का फ्लेम हम अभी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, और इसी के साथ जो ये अखनी बनी है इसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सिर्फ सूप छोड़ देंगे और बाकी की जितना भी मटन है हम वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये हमने बड़े 3 टेबलस्पून दही लिया। अब ये मटन को हम अच्छे से दही के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भुनेंगे। यखनी पुलाव के मटन को हम ये दही डाला है इसका पानी सूखने तक हम इसको भुनेंगे। यखनी बनाने के लिए हमने ये पतला मलमल का कपड़ा यूज़ किया था ताकि सौंफ और धनिया का जितना भी फ्लेवर है वो सूप में आ जाए, यखनी में आ जाए। मोटा कपड़ा यूज़ नहीं करना है। और ये भी भुनने पर आ चुका है मटन। यखनी का मटन भुन चुका है, इसका पूरा घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें ये चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। ये जो हमने यखनी बनाई थी ये सूप हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो हम मसाले वाली या हैदराबादी बिरयानी बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ मसालों का टेस्ट आता है, लेकिन यखनी पुलाव में ये सूप का टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसी हम अलग से कोई भी पानी नहीं डालेंगे, ये जो सूप है इसी के अंदर ये हमारा पुलाव पक जाएगा, यानी कि ये हमारे जो चावल हैं ये गल जाएंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक और डाल देते हैं, कम लगेगा तो हम और डालेंगे। इसी के साथ हम ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ये हमने 2 छोटे स्पून में लिए हैं। और आपने अखनी पुलाव कहाँ खाया था वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और उसका कैसा टेस्ट था। और आप हमारे स्टाइल में भी यखनी पुलाव ट्राई करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम इसको चावल गलने तक इसको हम पकाएंगे। पहले हम फ्लेम हाई रखेंगे और उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे। यखनी का पानी सूख चुका है तो और चावल भी गल गए हैं, तो हम इसमें थोड़े से काजू ऐड कर देंगे। ऊपर से हम थोड़े से ये तले हुए जो हमने ब्राउन करके प्याज रखे हुए थे वो ऐड कर देते हैं। और ये हमारे पास येलो फूड कलर है, ये हम ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे। ये सब में मिक्स हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। पहले भी हमने थोड़ा सा ये 2 स्पून हमने गरम मसाला ऐड करा था और अभी हम फिर से ये 2 इस कर रहे हैं। इसको कवर कर देंगे एक कपड़े से, आप फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अब सिर्फ 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। नीचे हमने तवा रख दिया है। 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ओहो हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाले पुलाव की। और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये खाने के लिए तैयार है। इस पे हम ब्राउन प्याज ऐड कर देते हैं।